हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित इलेक्ट्रीशियन, हमारे यूट्यूब चैनल को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक 12 मॉड्यूलर बोर्ड की वायरिंग करने वाला हूं और उसमें स्विच सॉकेट कैसे लगाना सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल करिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दिए लाइक, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब होने बहुत अमूल्य है। तो आप फ्रेंड्स चैनल जो सब्सक्राइब कर दिए, तो चलिए आज को नया सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारे पास एंकर बाई पैनासोनिक पैंटा का 12 मॉड्यूलर बोर्ड है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आज हम इसमें स्विच सॉकेट कैसे लगाएंगे और इसकी वायरिंग कैसे करना है, इसके कनेक्शन कैसे करना है, सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो स्किप जरा सा भी नहीं करना है और ध्यान से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि ये हमारे पीछे का इंटरफेस है, इसका जो है प्राइस लिखा हुआ 243 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 12 मॉड्यूलर हमारा बोर्ड है, मेड इन इंडिया का, ठीक है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आपको इसमें स्विच सॉकेट कैसे लगाना है और जो है कैसे इसकी वायरिंग करना है। फ्रेंड्स, तो ये है हमारी प्लेट, अनबॉक्सिंग मैंने इसको कर दिया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी 12 मॉड्यूलर की ये प्लेट है और यहाँ पर एंकर की ब्रांडिंग भी लिखी हुई है। तो हमको ऊपर की प्लेट निकालना है, ठीक है। तो बहुत सावधानी से ऊपर की प्लेट निकालना है और नीचे वाले में स्विच सॉकेट लगाना है। तो इसको यहाँ पर स्क्रू लगाना है और थोड़ा सा ऊपर की ओर इसको उठाना है, बस हमारी प्लेट निकल जाएगी। तो हमारी प्लेट निकल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम इसमें स्विच सॉकेट लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें स्विच सॉकेट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने हिसाब से स्विच सॉकेट लगा सकते हैं, आपके रूम में जितने पॉइंट हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये एंकर का स्विच है 6 एम्पियर वाला, तो हम इसमें यही यूज करेंगे। तो इसको चलिए जल्दी से खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अपने सभी स्विच सॉकेट खोल लेंगे, फिर आप लोगों को लगा के दिखाएंगे कैसे आपको लगाना है। तो चलिए जल्दी से खोल लेते हैं सारे स्विच सॉकेट। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे स्विच सॉकेट निकाल लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मुझे अपने रूम में जो जो चीज़ें लगानी है मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें सॉकेट लगाएंगे, तो सॉकेट को आपको इस जो है खाने में रखना है और नीचे की ओर हल्का सा प्रेस कर देना है, बस हमारा सॉकेट लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। फ्रेंड्स, हम इसी तरह अपना स्विच भी लगा लेंगे, हमको इसमें रखना है और नीचे की ओर हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है। तो अपनी सारी चीज़ें इसी तरह लगा लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फ्रेंड्स नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूँगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अमूल्य है। तो आप चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इसमें एक रेगुलेटर भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो है फैन हमारे रूम में है, तो हम इसमें रेगुलेटर भी यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर भी लाइक कर दीजिए, और जो ट्विटर पे फॉलो कर दीजिए। और मेरा दूसरा चैनल है म्यूजिक का, अमित सैनी ढोलक प्लेयर, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा एक चैनल और है टेक्निकल अमित सैनी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने इसमें एक इंडिकेटर भी लगा दिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी। मैंने इसमें एक सॉकेट और एक रेगुलेटर और एक इंडिकेटर और 8 स्विच लगाए हैं। तो चलिए इसकी वायरिंग कैसे करना सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए इसकी वायरिंग करते हैं आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीचे के पॉइंट में हमको जो है ये लाइन के तार इसमें लगा देने हैं, हमको स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हमको लाइन के तार लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे वाले स्विच में लाइन के तार लगा दिए नीचे वाले पॉइंट में, अभी हमको ऊपर वाले भी स्विच में यही चीज़ करना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पेंच कस देना है और फिर उसके बाद हमको ऊपर वाले स्विच में भी यही करना है, ठीक है। तो हमको यही जो है वायर जो है हमको ऊपर वाले स्विच में भी लगा देना है नीचे की ओर, ठीक है। तो हम नीचे की ओर इसमें भी लगा देंगे, आपको लाइन के तार पहले स्विच में लगाने हैं, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं अच्छे से लगाने, और इसको स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देना, ताकि हमारा कोई वायर जो है इधर उधर ना हो और जो है अच्छे से काम करे, कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो, ठीक है। हमको एक वायर जो है, जो ये वाला स्विच आप रेगुलेटर के बगल में देख रहे हैं, हमको एक वायर जो है इस स्विच से कर देना, ठीक है। हमको अपना रेगुलेटर जो है इस स्विच से करना है। जब अपना स्विच ऑन करेंगे तो हमारा पंखा ऑन होगा, जब हम रेगुलेटर ऑन करेंगे तो हमारा जो है फैन ऑन हो जाएगा, ठीक है। और एक वायर जो हमारा जो इंडिकेटर वाला है, हमको इसको भी अपने लाइन में जोड़ देना है और जो है 1 न्यूटन में जोड़ना है, ठीक है। तो हम ये वायर जो है अपने लाइन में जोड़ देंगे,
जो मैंने स्विच में लगाया है और एक वायर हम अपने न्यूटन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे इंडिकेटर का वायर थोड़ा छोटा है तो हम इसमें दूसरा वायर जोड़ देंगे और इसको अपने न्यूटन में जोड़ देंगे, ठीक है मैडम। तो चलिए हम इसमें एक हमारे पास जो है येलो कलर का वायर है अपने इंडिकेटर के वायर में जोड़ के इसमें टेपिंग कर देंगे अच्छे से ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम इसको अपने सॉकेट के न्यूटन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम इसमें एक वायर न्यूटन का और जोड़ेंगे जो हमको अपने जो है एक वायर जो लाइन में लगाना एक वायर न्यूटन में लगाना, ठीक है। तो हम अपने जो है न्यूटन में इसको अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। और हमको एक लाइन का वायर भी जोड़ देना है अपने स्विच के जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें हमको एक लाइन का वायर भी बाहर निकाल देना है जो हम अपने लाइट में लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने दो वायर निकाल दिए, एक जो है अपना लाइन का वायर और जो है एक न्यूटन का वायर। जो तो फ्रेंड्स आपको अपने धूम की लाइट और फैन कनेक्शन इस बोर्ड में कैसे देना है, तो आपको एक वायर जो है स्विच में देना है और एक वायर जो है न्यूटन में देना है। बस आप अपना स्विच ऑन करोगे तो आपकी लाइट जल जाएगी और स्विच बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो हमारा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि आप तो देख रहे हैं मैंने सारे वायर यहाँ पर निकाल दिए हैं, ठीक है। तो हम इसमें चलिए आप लोग बताते हैं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। जो आपको तीन वायर दिख रहे हैं, दो पीले और जो है हमारा जो है एक ब्लैक वायर, ये हमारे न्यूटन के वायर हैं। जो आपको रेड वाला वायर दिख रहा है ये हमारा जो है लाइन का वायर है। जो हमारे इस हाथ में है चार नीले और दो है दो पीले, ये हमारे पॉइंट के वायर हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने बोर्ड में सिर्फ पॉइंट के वायर लाए हैं और जो है मैंने न्यूटन ऊपर से ही जोड़ दिया, जहाँ हमको न्यूटन मिला मैंने वहीं से न्यूटन जोड़ दिया और सिर्फ मैंने जो है पॉइंट यहाँ के तार लाया हूं, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट अपने स्विच में लगा लूंगा, जिस पॉइंट को हमको जिस स्विच से करना है हम अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। और जो न्यूटन हमारा सिर्फ तीन वायर यहां पर आया हुआ है। और फ्रेंड्स हमारे सारे पॉइंट के वायर जुड़ चुके हैं जैसे कि आप तो देख रहे हैं। अब हमको लाइन के वायर लाइन में जोड़ देना है और न्यूटन का वायर न्यूटन में जोड़ देना है और अच्छे से टेपिंग कर देना है, ठीक है। तो हमने लाइन का वायर लाइन में जोड़ दिया और न्यूटन का वायर न्यूटन में जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम इसमें अच्छे से टेपिंग मार देंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छा समझाऊंगा ताकि आप लोग समझ। तो फ्रेंड्स हमारा बोर्ड अच्छे से एकदम कम्प्लीट हो गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें टेपिंग कर दी है। तो अब हम इसमें सारे वायर इसको बोर्ड के अंदर कर देंगे और हम इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे और फिर हम इसको आप लोगों को ऑन करके दिखाएंगे। तो हम अच्छे से इसमें स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अमूल्य है फ्रेंड्स। तो आप चैनल जो सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हमारा बोर्ड में स्क्रू मैंने सारे लगा दिए हैं, हमारे बोर्ड की लाइन चालू हो गई, हमारे सारे एलईडी बल्ब और फैन चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये प्लेट लगाएंगे ऊपर की ताकि हमारी बोर्ड जो है देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो हमारा जो है प्लेट आपको ऊपर से लगा देना है और हल्का सा इसको प्रेस कर देना और लग जाएगी। तो मेरी प्लेट लग चुकी है जैसा कि आप सब देख रहे हैं फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।